सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा प्रथम में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण आनंद से पाठ 3 संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, संज्ञा का अर्थ होता है नाम वाले शब्द, यानी कि इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वे सब संज्ञा हैं। मेरा नाम, आपका नाम और आपके आसपास जो भी वस्तुएं होंगी उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, यानी कि ये सब संज्ञा कहलाएंगे। दूसरे अर्थ में संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को और विस्तार से समझें। पाठ 3 संज्ञा। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब होता है नाम वाले शब्द। और दूसरे अर्थ में हम ऐसे बोल सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो संज्ञा कहलाएगी। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं कोई ना कोई नाम होगा, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसे हम नाम लेकर पुकारते हैं, तो यानी कि वे सब संज्ञा है। यानी कि नाम वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और नाम कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, जवाहरलाल नेहरू, मदर थेरेसा, तुलसीदास, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ये सब त्योहारों के नाम है। नाम है मतलब संज्ञा है, संज्ञा का अर्थ ही है नाम। फिर आइए इमारतों के नाम, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब किस चीज के नाम है? इमारतों के नाम है। फिर आइए वस्तुओं के नाम, जैसे घड़ी, पेंसिल, मिठाई, ये सब वस्तुओं के नाम है, यानी कि संज्ञा है। फिर आइए प्राणियों के नाम, जैसे हाथी, तोता, बिल्ली, ये सब नाम है। किस चीज के नाम है बच्चों? प्राणियों के नाम है। लड़का, किसान, अध्यापक, ये सब प्राणियों के नाम है, यानी कि संज्ञा है। ये सब ऐसे शब्द हैं, वे शब्द हैं जिनका कुछ नाम होता है, तो इसे हम संज्ञा बोलेंगे। भावों के नाम, जैसे पूजा, सफलता, बुढ़ापा, ये सब भावों के नाम है। और कुछ अन्य नाम है, जैसे हिमालय, सूरज, गंगा, इनके अलावे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, नाम है ना, हम लोग इन सब चीजों को हम कुछ कह कर पुकार रहे हैं, इन सब शब्दों को हम किसी नाम से पुकार रहे हैं, तो नाम का अर्थ होता है संज्ञा, तो ये सब संज्ञा है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है बच्चों? महीनों के नाम, तो ये सब संज्ञा है। तो ये पाठ 3 संज्ञा,
इसे बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।